सास बहु में शुरू हो गई देखो तू तू मैं बात बात में बढ़ जाती है इनकी तू तू मैं रोज रोज होती है घर में जली कटी सी बातें बिन मतलब के हो जाती हैं बातों की बरसातें तू 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 मैं कड़वी खट्टी मीठी तू तू मैं दुनिया भर की सास बहू में होती तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं तू तू मैं एक्शन ससुर जी आप पायला भी ससुर जी जीती रहो आप इस तरह अचानक हैरान हो गई ना हमें देखकर अरे भाई छुट्टी मिली दो दिनों की इसलिए चला आया तुम लोगों को मिलने बहुत अच्छे मौके पर आए हैं आप सासू माँ आपको देखेंगी तो कितनी खुश होंगी सुबह से आपको याद कर रही थी वो क्यों सब खैरियत तो है क्या बात है सब खैरियत है ससुर जी और बात क्या है ये आप सासू माँ से ही पूछ लीजिए लेकिन वो है कहाँ ऊपर अपने कमरे में तो उसे भी सरप्राइज दे देते हैं देव की अरे सुनिए तो दो कप चाय किसके लिए एक आपके लिए एक ससुर जी के लिए वो चले गए वो तो कह रहे थे दो दिन की छुट्टी पर आया है हाँ उन्हें रुकना था लेकिन उन्हें जाना पड़ा क्यों फोन हाँ उनके ऑफिस से सुबह सुबह फोन आया था मैंने तो कोई फोन की बेल नहीं सुनी सुबह से तू तो दिन ब दिन बहरी होती जा रही है बहू रानी तुझे कुछ क्या देखा तू तो सुनती नहीं है आजकल ऐसे कैसे मुझे क्या मालूम और पता है जब तेरे ससुर जी को मैंने बताया कि मैं मेकअप कॉन्टेस्ट जीत गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि अब भी मुझे मेकअप करके दिखाओ क्योंकि मेकअप करने के बाद मैं ब्यूटी क्वीन लगती हूँ ना मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुकाबला होगा ओ लैला गाना है कि कुश्ती का आखाड़ा आय हाय हाय सिंह तो देखो बहु बर्तनों से भरा पड़ा है लगता है ये नौकरा ने आज फिर से नहीं आने वाली क्यों कितने बज गए अरे 10 बजने लगे हैं है वो तो 8:30 बजे आती है ना लगता है फिर से छुट्टी कर गई और फिर करा के बहाने बनाएगी पति की मौसी आई थी या फिर बच्चा बीमार था और हम लोग चुपचाप सुन लेंगे ना तो फिर क्या कर सकते हैं बहू उसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ उसने करना ही क्या है लीजिए मैं अभी मांझ देती हूँ बर्तन और आप चढ़ाइए सब्जी अरे मगर कौन से बर्तन में चढ़ाओ कोई बर्तन भी तो नहीं है मैं देती हूँ ना बर्तन हाँ ठीक है तब तक मैं वेट करती हूँ नजरे मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा ये कम सितंबर की ट्यून है ना नहीं राजा की है अरे नहीं नहीं कम सितंबर की है अरे वाह सासुमा आप और वेस्टर्न म्यूजिक फिर ये मेरे फेवरेट धुन है बस गिनी चुनी 4-5 तो धुने हैं जो मुझे पसंद है तभी तो याद है ये लीजिए कढ़ाई अरे वाह ये तो बिल्कुल चमक उठी क्या बात है बहू आज तुझे बहुत काम करने का शौक चढ़ा है क्यों रोज में काम नहीं करती क्या नहीं नहीं करती है रे कोई मायके से आने वाला है क्या कहती है आप सासू माँ मैं क्या अपने मायके वालों के सामने दिखावा करती हूँ हर लड़की करती है बहू तो
सास क्या कम दिखावा करती है अपने रिश्तेदारों के आगे? बकवास कर रही है तू, ऐसी एक सास का नाम बता। मैं आप ही की बात कर रही हूँ। क्या मैं ऐसा करती हूँ? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, किचन में खड़ी रहकर चाय बनाऊ मैं, और आप मेहमानों के आगे जाएंगी ट्रे लेकर ताकि उन्हें लगे आप ही ने चाय बनाई है। पागल, मैं तो तुझे मदद करती हूँ। आप मदद? प्याज काटा मैंने, लहसुन छीला मैंने, अदरक पीसा मैंने, सब कुछ मैंने किया, कढ़ाई भी मैंने धोई, लेकिन आप कढ़ाई में सब्जी डालेंगी, कड़छी लाएंगी, हो गया ना आपका नाम? तभी तो आप ही नहीं बनाती। तो तू एक काम क्यों नहीं करती बहुरानी, अपने सारे कामों की लिस्ट बनाकर उसे स्लेट पर लिखकर अपने गले में टांग दे और सारे मोहल्ले में जाकर घूम के आ जा। नहीं नहीं, ऐसा पागलपन करने की मुझको कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो मत कर। बहू क्या तो क्या करती है रे? हाँ तू बर्तन धो रही थी कि पानी ढोल रही थी? सारा फर्ज गीला कर दिया तूने। बैठो बेटा, भी कटका लगाने दे मुझे। कटका लगाने से पहले झाड़ू करना होता है। तो क्या गीले में लगाओ झाड़ू, पहले सुखाओ? नहीं है ना, फिर तब तक आप हॉल में जाइए और पहले वहाँ झाड़ू लगाइए। ए बहू, तू मुझ पर हुकुम मत चला कि मैंने झाड़ू कहाँ लगाना है। मैं कहाँ हुकुम चला रही हूँ, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। देखो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तू मुझे मत बता, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब मालूम है। मालूम है तो लगाइए। फिर हुकुम चला रही है तू मुझ पर? मैंने कोई हुकुम नहीं दिया। तूने हुकुम दिया? मैंने हुकुम नहीं दिया। हुकुम दिया? नहीं दिया। हो दिया? नहीं दिया। मदद करने भी नहीं आती? आती नहीं। दिल की ये हालत किसको बताए, तुम भी पागल, तुम ही पागल। क्या पागल पागल गाने गा रही है तू बहू? बहुत मजा आ रहा है सासुमा, गाना गाते गाते पता ही नहीं चलता काम कब खत्म हुआ। अच्छा, फिर भी जरा ढंग के गाने गा तो सुनने वाले को भी जरा मजा आ जाए। कैसे? बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम, बरसात में ऐसे। क्या टेप 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 बरसात हो रही है? गाने में बरसात तो जोर से होनी चाहिए, जैसे रेन इज फॉलिंग छमा छम छम छमा छम छम, लड़की ने आंख मारी गिर गए हम। अरे वाह, बड़े जोर से आंख मारी। अच्छा, इसका मतलब तुझे जोरों की बरसात चाहिए। हाँ तो सुन, लपाका छपाका तू आरे बदरिया, लपाका छपाका तू आरे बदरिया, तेरे घड़े में पानी नहीं है, तेरे घड़े में पानी नहीं है, पनघट से भरला, पनघट से भरला, पनघट से भरला। हेलो संगीता, आ रहे हो ना तुम लोग सब? हाँ बराबर 3 बजे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सासू माँ का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो ही सारा काम कर रही है घर का। तो तुमने सबको बता दिया ना, वर्षा डॉली कुमुद अन्नू, हाँ और सुधा को बताना। बता दिया है ना? हाँ, अरे वही तो मेन लड़की है आज की, उसने एक नया आइटम बनाया है, वो बताने वाली आज। हाँ हाँ पक्का, ऐसा मौका दोबारा थोड़ी ना मिलता है। मिलेंगे फिर 3 बजे। बाय। अब समझी? क्या क्या? यही कि मेरी बहू रानी इतनी उतावली होकर घर का सारा काम क्यों कर रही है, सखी सम्मेलन जो बुलाया है यहाँ पर, ये पता चलते ही कि आज मैं मेरे भाई के घर जाने वाली हूँ, सबको यहाँ बुला लिया, अब मामा जी के यहाँ जाने वाली है। जैसे तुझे मालूम ही नहीं है कि आज दोपहर के खाने के बाद मैं मेरे भाई के घर जाने वाली हूँ। क्यों, कल सब कुछ तो सुन रही थी? कान लगाकर। नहीं ठीक है, तेरी सहेलियां यहाँ आने वाली है ना, तो घर का सारा काम तू ही कर ले, मैं कुछ नहीं करने वाली। हेलो हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, जा मेरी तड़पे तेरे लिए, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला, डखरे तेरे।
धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के? मुझे मालूम है क्यों धड़के। रेडी? क्या बज रहा है बहू? तीन बज गए। तीन बज गए? हाँ। अरे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जा जावे भैया तेरा रसिता उड़ीत दिया, जा जा रे भैया तेरा रसिता उड़ीत दिया। इतनी जल्दी क्या है गोरे भैया के घर जाने की, बहुरी के संग बैठ जरा कुछ बातें है समझाने की। वॉचमैन से कहकर टैक्सी मंगा दो। क्यों? क्यों क्या, आपको जाना है ना मामा जी के घर। ओ दफ्तर थोड़े ही जाना है बहू, कि ठीक वक्त पर जाकर हाजिरी लगाऊं। मेरे ही तो भाई के घर जाना है मुझे। तीन के बजाय चार बजे गई या पांच बजे गई या फिर गई ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। मामा जी इंतजार कर रहे होंगे आपका। हाँ हाँ, तो तू एक काम कर, गप्पी को जाकर फोन कर दे। हाँ? और कह दे कि जाओ आज मैं नहीं आती। फोन खराब है। हेलो हेलो राधा, मैं कुमुद बोल रही हूँ। मामा जी? हाँ नमस्ते मामा जी। मामा जी? कुमुद कुमुद राधा, कुमुद बोल रही, मामा जी नहीं कुमुद। हाँ सासू माँ ना, बस निकल ही रही है। हाँ हाँ, तेरी सास निकली नहीं है अभी। है पर हम तो निकल रहे ना अभी। जल्दी भेजती हूँ, पांच मिनट में भेजती हूँ। गप्पी का फोन है? हाँ। दे मुझे दे। कट हो गया लगता है, पब्लिक फोन से बोल रहे थे। अच्छा? हाँ। क्या कह रहा था? बहुत घबराए हुए थे, बोल रहे थे दीदी को जल्दी भेज देना। अच्छा? हाँ। अब सोच कर रही है जाइए ना, वो आपके भाई है ना, याद है ना? भैया मेरे राखी के बंधन को। बहू सुबह से पहली बार तूने ये ढंग का गाना गाया है। फिल्म छोटी बहन का है ना ये? हाँ। फिर उसकी फिल्म का और एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुकेश की आवाज में। कौन सा? हाँ। जाऊं कहाँ बताए दिल, मामा जी के यहाँ। समझ गई समझ गई। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, चलो दरवाजा बंद कर लो। GTH बाबा GTH, होने दे जरा GTH। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बोली भाली लड़की खोल दे रे दिल की तार वाली खिड़की, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अच्छे अच्छे गाने गा रही है, इसका मतलब मुझे चिढ़ाने के लिए सुबह जानबूझकर उठपटांग गाने गा रही थी। चले गए थानेदार अब डर काहे का, हे चले गए थानेदार अब डर काहे का। कोई आया टिंग टॉक कहती है कोई। अरे क्या लग रहा है सब लोग। अरे सुधाकर, कैसी है तू? फर्स्ट क्लास। तू सुना? अरे मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ। अच्छा वो गई कौन? तेरी सास। गई गई। आप लोग अंदर आइए चलो। मैं सोचूं कि आज तुम्हारा ये घर इतना बड़ा बड़ा खुला खुला सा क्यों लग रहा है? मुझे तो सब परफेक्ट लग रहा है। ये तुम नहीं समझेगी कुमुद। क्यों नहीं क्यों नहीं? क्योंकि तेरी सास तुझे कभी अकेला छोड़ती नहीं। अरे तेरी सास को डर लगता होगा, कहीं तू कुछ कर न बैठे।
मेरी सास किसी को डरती नहीं है, डरती नहीं। बता, मेरी सास को आज घर से निकल ही नहीं गई थी बाहर। वापस कब आएगी तेरी सास? वो मुझे पता नहीं। ए राधा, एक आइडिया है। हाँ। तेरे घर में ताला है? ताला? क्यों? मैं बाहर जाकर ताला लगा दूंगी। जब तेरी सास यहाँ आएगी ना, तो यही समझेगी कि इस घर में कोई नहीं है। सुधा, सुधा। हाँ? पर तू तो बाहर के बाहर ही रह जाएगी ना। अरे वाह कुमुद, तू तो दिन ब दिन बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है। वो क्या है ना कुमुद, इस घर में खिड़कियाँ भी है, मैं खिड़की से अंदर आ जाऊंगी। चुप ना सुधा, कहीं अड़ोस पड़ोस वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, और फिर किसी ने इसके सास से शिकायत की ना, तो बस क्या कर लेंगे वो। ओहो, लेकिन क्यों हम उनके बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों ना हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। चलो चलो शुरू करते हैं। नया आइटम शुरू करना होगा। दादा, तेरे पास पतीला चम्मच होगा? नेचुरली। वो तो मैं गाड़ी में भूल आई। सुधा सुधा, वो पतीला की तपीला। पतीला। आज की ये शाम बहुओं के नाम, ये दुनिया भर की बहुओं की फरियाद है। उनकी सासें सुन सके तो सुने।
एक प्यारी परी करीब आके तुझे कर लूं प्यार घर आई ओ मेरे घर आई एक प्यारी परी एक प्यारी परी एक प्यारी परी सॉरी आंटी जी मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी अरे नहीं नहीं बेटी कोई बात नहीं बल्कि थैंक्स मुझे पता तो चला कि मेरी बहू मुझे कितना चाहती है लेकिन ये क्या बहू तूने तेरी सहेलियों का अभी तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं ओ सासू मां मैं करूं आप भला क्यों सेवा करें मेरी सहेलियों की आप तो अपनी सहेलियों की सेवा भी मुझसे ही कराती है तू क्या बदला लेना चाहती है मुझसे मैंने ऐसे कब कहा नहीं कहा नहीं लेकिन क्या मैं समझती नहीं हूँ क्या समझती हैं आप यही तेरी चालाकियां और क्या मैंने कोई चालाकियां नहीं सीखी आपसे आज तक तू तो बड़ी भोली है तो आप कौन सी मासूमियत की मूरत है शुरू हो गए तेरे उल्टे जवाब मैंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया तूने अभी उल्टा जवाब दिया मैंने उल्टा जवाब नहीं दिया तूने उल्टा जवाब दिया मैंने उल्टा जवाब नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया